नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, आज मैं आपको झरबेई के पत्ते जैसे दिखने वाले इस पेड़ से परिचित कराने वाला हूं, जो एक झाड़ी है। इसे हिंदी में गंगारा, गढ़वाली में रिखोला और अंग्रेजी में मंसूर श्रब्स, मसूरी बेरी या टेनस ट्री के नाम से जानते हैं। यह पौधा फैमिली कोरियारियेसी का सदस्य है। इसका जीनस कोरियारिया है और स्पीसीज है कोरियारिया नेपालेंसिस, सामान्यतः मसूरी बेरी के नाम से जानते हैं। यह 1.5 से 2.5 मीटर ऊंचा, अधिकतम 10 फीट ऊंचा हो सकता है। इसमें स्प्रिंग सीजन से पहले फरवरी से मई के बीच में छोटे छोटे येलो कलर फ्लावर होते हैं। आप इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं। पकने के बाद फ्रूट जो होते हैं वो पर्पल कलर के हो जाते हैं। इसके सीड वाइट दिख रहे हैं और इसका जो सीड फल का जो सैप है वो रेड कलर का है। तो इसे रेड कलर की डाई प्राप्त की जा सकती है इन फलों से। और ये देखने में बेरी जैसे लगते हैं फ्रूट्स, लेकिन रियल में ये एकिन्स होते हैं। और दोस्तों, इसके जो सीड होते हैं वो थोड़े पॉइजनस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है। इस पौधे के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि मसूर श्रब्स, जिसे हम कोरियारिया नेपालेंसिस कह रहे हैं, यह मसूरी के इलाकों में बहुतायक से पाया जाता था। जब अंग्रेज पहली बार 1823 में मसूरी पहाड़ी, जिसे लंढोर इलाका बोलते थे, वहाँ पर गए और फिशर नाम के एक फिशर की एक पुस्तक उपलब्ध है, हिस्टोरिकल स्केच ऑफ मसूरी एंड लंढोर 1832, उसमें इस पौधे का जिक्र है। इसी प्रकार गाइड टू मसूरी लंढोर देहरादून 1884 बाई जॉन, इन दोनों पुस्तकों में इस पौधे का जिक्र किया गया है। और पहली बार नॉर्थम वो व्यक्ति थे जिन्होंने मसूरी शब्द दिया, उस टाउन को मसूरी नाम दिया जहाँ पर ये पौधे बहुतायक से पाए जाते थे। चरवाहे इस पौधे की पत्तियों को खिलाते थे और बहुतायक से एबंडेंस में ये पौधा वहाँ पे उपस्थित था। तो इस पौधे के नाम पर ही मसूरी शहर का नाम दिया गया है। यह पौधा मेडिसिनल यूज़ का है। चाइना में इससे जो इसका रूट होता है उसे मेडिसिनल पर्पज में उपयोग में लाया जाता है। और नंबनेस सुनेता जिसे बोलते हैं, दांत दर्द, रूमेटिक और ट्रोमेटिक इंजरी और एक्विट या कंजक्टिवाइटिस होता है, उसके इलाज में वो लोग इसका उपयोग करते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो अपोजिट क्रम में लगी हुई हैं, और पीछे से बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो वो 3 वेंड है, 3 वेंस उस पर होती हैं। और ये पौधा हिमालयन रीजन में 800 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में, भूटान, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। इस पौधे के ये जो बेरीज लगे हुए हैं ये पक्षियों के लिए इडिबल होते हैं, क्योंकि पक्षी सीड को निगलने के बाद एक्सक्रीटा के रूप में वैसे ही निकाल देते हैं। और इस पौधे का जो फ्रूट का सैप है उससे हम रेड कलर की डाई प्राप्त कर सकते हैं। इसकी इन्फ्लोरेसेंस गुच्छों में लगते हैं, फ्रूट भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गुच्छे में छोटे छोटे फल हैं। मसूरिया, मसूरी श्रब्स या मसूरी बेरी बोले, या साइंटिफिकली बोटेनिकल नाम इस पौधे का जो कोरियारिया नेपालेंसिस है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इससे परिचित कराने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।